नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। जेडीएस राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष एच डी देवेगौड़ा ने सीएम इब्राहिम को तत्काल प्रभाव से पार्टी से किया बर्खास्त। कर्नाटक में आर अशोक होंगे विपक्ष का नेता, पूर्णेश मोदी इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रभारी नियुक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी करेंगे भाजपा का घोषणा पत्र, बड़े वादों की है उम्मीद। तेलंगाना में मुस्लिम वोटों के लिए बीआरएस कांग्रेस एआईएमआईएम में रस्साकशी, भाजपा को हो सकता है फायदा। महाराष्ट्र में फिर गरमाया मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, सरकार के खिलाफ भुजबल ने निकाली एल्गार रैली। जादूगर को राजस्थान की जनता 3 दिसंबर को करेगी छूमंतर, पीएम मोदी ने राजस्थान सीएम अशोक गहलोत पर कसा तंज। अब समाचार विस्तार से। जेडीएस राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष एच डी देवेगौड़ा ने शुक्रवार को पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि इब्राहिम को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बर्खास्त किया जा रहा है। इब्राहिम बुधवार को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भाग लेने केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में थे, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीके नारो भी उपस्थित थे। आदेश में कहा गया है कि बैठक अनौपचारिक रूप से पार्टी के नाम पर आयोजित की गई थी। राज्य में जेडीएस भाजपा गठबंधन के खिलाफ बयान दिए गए थे, यह पार्टी अनुशासन का उल्लंघन है। इब्राहिम की पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता का उल्लेख करते हुए जेडीएस ने कहा है, यह फैसला पार्टी हित में लिया गया है। इब्राहिम ने अनुशासन और पार्टी संविधान का उल्लंघन किया है। पार्टी ने कहा है कि कर्नाटक इकाई का अध्यक्ष रहते हुए इब्राहिम पूरी तरह निष्क्रिय रहे। उन्होंने पार्टी मजबूत करने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया, उन्होंने सदस्यता अभियान नहीं चलाया और भाजपा के साथ गठबंधन के संबंध में पार्टी के फैसले का खुलेआम उल्लंघन किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भाजपा विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान भाजपा ने आर अशोक को विपक्ष का नेता चुना। यह बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे विपक्ष का नेता चुनने के लिए मैं पार्टी का धन्यवाद देता हूं। भाजपा लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 28 सीटों पर जीत हासिल करेगी। नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा आला कमान ने हमें लोकसभा चुनाव में सभी 28 संसदीय क्षेत्रों में जीत हासिल करने का काम सौंपा है, हम इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि यह सर्वसम्मत चयन था, वह एक वरिष्ठ नेता है, मैं उन्हें बधाई देता हूं, मैं बहुत खुश हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम, भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा, बसवराज बोम्मई विधायक दल की बैठक में शामिल थे। 7 बार भाजपा विधायक रहे अशोक जुलाई 2012 से मई 2013 तक भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। इस बीच भाजपा नेता पूर्णेश मोदी को दादरा नगर हवेली और दमन दीव में राजनीतिक मामलों के लिए पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया गया। पूर्णेश ने गुजरात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनकी मोदी उपनाम टिप्पणी को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अमित शाह सुबह 10 बजे घोषणा पत्र जारी करेंगे। इसके वहां गढ़वाल, नलगुंडा और वरंगल में चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि भाजपा 30 नवम्बर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी चुनावी घोषणाएं कर सकती है। तय कार्यक्रम के मुताबिक शाह शाम 7 बजे हैदराबाद में एमआरपीएस नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद रात 8:15 विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तेलंगाना की राजधानी में खाने में हैदराबादी बिरयानी और राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी के जिक्र से बातें शुरू होती हैं। वैसे ओवैसी सभी सीटों पर चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, इसलिए प्रमुख लड़ाई सत्तारूढ़ बीआरएस और कांग्रेस में ही है। हालांकि भाजपा को भी पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्मे से उम्मीद है। पीएम मोदी सिकंदराबाद में जोरदार रैली कर भी चुके हैं। ओवैसी का तिलिस्म तोड़ने की जद्दोजहद में कांग्रेस बीआरएस के साथ ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन एआईएमआईएम के खिलाफ सियासी तीरा चला रही है। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को चुनाव होंगे। दूसरे राज्यों में चल रहे एआईएमआईएम के खिलाफ सियासी तीर चला रही है। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को चुनाव होंगे। दूसरे राज्यों में चल रहे चुनाव के बाद यहां सभी पार्टियों के दिग्गज लगातार मैदान में उतरेंगे। एयरपोर्ट से कैब में बैठते ही ड्राइवर से चुनावी चर्चा करने की कोशिश की, मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है पर आप पूछिए मैं सब बता देगा, यह कहते हुए वेंकटेश ने टूटी फूटी हिंदी में कहा। इस बार कांग्रेस के चांस ज्यादा लग रहे हैं, बीआरएस सरकार में भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, योजनाओं का सही फायदा गरीबों को नहीं हुआ। भाजपा के सवाल पर वेंकटेश का जवाब था,
प्रदेश अध्यक्ष बदलने का भाजपा को नुकसान हुआ है। ओवैसी पर जवाब मिला कि उनकी अपने लोगों में काफी पकड़ है। फिल्मी अभिनेत्री से नेता बनी विजया शांति कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर तेलुगु फिल्म अभिनेत्री विजय शांति ने पिछले हफ्ते बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और आज वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में विजय शांति कांग्रेस पार्टी में थी, लेकिन कांग्रेस की हार के बाद वह बीजेपी में शामिल हो गई और अब वह दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गई है। तेलंगाना के गठन से पहले भी वह टीआरएस पार्टी में लोकसभा सदस्य थी और टीआरएस अध्यक्ष चंद्रशेखर राव ने अर्बन के बाद कांग्रेस में शामिल हो गई। महाराष्ट्र में मराठा बनाम पिछड़ा वर्ग ओबीसी आरक्षण पर राजनीति गर्मा गई है। शुक्रवार को राज्य के मंत्री छगन भुजबल ने कैबिनेट की बैठक छोड़ सरकार के खिलाफ एल्गार रैली की, जहां मराठों को कुनाबी के नाम पर ओबीसी प्रमाण पत्र देने के विरोध के साथ ही जातिगत जनगणना करने की मांग की गई। एल्गार रैली में दलगत राजनीति से परे होकर ओबीसी विधायकों और नेताओं ने भी हिस्सा लिया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर दो बार अनशन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल ने सरकार को 24 दिसंबर तक की मोहलत देकर राज्यव्यापी यात्रा शुरू की है। वहीं ओबीसी समुदाय के नेताओं ने भी आरक्षण बचाओ आंदोलन शुरू कर राज्य सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। महाराष्ट्र में राज्य सरकार और विपक्ष के बीच गहमागहमी बढ़ती ही जा रही है। इस बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर निर्माण से पहले ही एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। बताया गया है कि इस केस में उद्धव शिवसेना के कुछ और नेताओं पर भी मामला दायर किया गया है। मुंबई के एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में आदित्य के साथ साथ उद्धव शिवसेना के नेता सुनील शिंदे और सचिन अहिर पर भी मामला दायर किया गया है। इन पर आईपीसी की धारा 143, 139, 326 और 447 के तहत केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि इन लोगों ने बिना अनुमति के ही लोअर परेल में स्थित डेली स्लेव ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। बीएमसी अफसरों ने इसकी शिकायत मुंबई पुलिस से की। इसमें कहा गया कि ब्रिज का निर्माण कार्य अभी अधूरा है। इसके बावजूद आदित्य ठाकरे और उनके साथियों ने 16 नवंबर को पुल का उद्घाटन कर दिया। झारखंड के गिरिडीह जिले में शनिवार 18 नवंबर को एक भीषण सड़क हादसे में दो बच्चों सहित पांच लोगों की जान चली गई है। यहां बारात में आए लोगों की एसयूवी गाड़ी तेज रफ्तार की वजह से नियंत्रण खोकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिसकी वजह से वाहन में सवार 10 लोगों में से पांच की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने बताया है कि दुर्घटना शनिवार तड़के करीब 3 बजे मुफसिल थाना क्षेत्र के बाघमारा में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजस्थान की जनता 3 दिसंबर को कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को छू मंतर करने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में जो वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए पार्टी जी जान लगा देगी। पीएम मोदी ने राजस्थान चुनाव के मद्देनजर राज्य के भरतपुर में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब से ठीक एक हफ्ते बाद राजस्थान में वोटिंग होगी। लोग बीजेपी सरकार को लाने के लिए पुकार रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें राजस्थान की जनता कह रही है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर, अशोक गहलोत के पिता जादूगर थे और उन्होंने उनसे जादू सीखा था। कुछ वक्त तक उन्होंने इस पेशे को अपनाया भी था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में
सिलकायरा सुरंग में दर्जनों मजदूर करीब 150 घंटे से फंसे हुए हैं और उन्हें बचाने के लिए एक बड़ी कवायद की जा रही है। शुक्रवार शाम अचानक दरार आने की आवाज सुनने के बाद बचाव अभियान रुक गया और ड्रिलिंग मशीन में भी खराबी आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों ने बताया है कि दुर्घटना स्थल पर दूसरा भारी ड्रिल विमान से भेजा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। शुक्रवार को रेस्क्यू ऑपरेशन को बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिकी आगर मशीन बीच में ही खराब हो गई। मशीन की बेयरिंग खराब होने की वजह से वह आगे ही नहीं बढ़ सकी। करीब 25 मीटर की ड्रिलिंग के बाद मशीन नीचे किसी मेटालिक चीज से टकरा गई, इसे तेज आवाज आई। दोपहर 2:45 के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी वैसे तो ब्लू ही है, मगर वर्ल्ड कप से ठीक पहले प्रैक्टिस जर्सी का रंग बदल दिया गया और अब उसका रंग भगवा हो गया है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टीम इंडिया की यह प्रैक्टिस जर्सी पसंद नहीं आई और उन्होंने क्रिकेट के भगवा कारण का आरोप लगाया। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भारतीय क्रिकेट टीम सहित देश भर के विभिन्न संस्थानों का भगवाकरण करने का प्रयास करने का शुक्रवार को आरोप लगाया है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम की अभ्यास जर्सी अब भगवा रंग की है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, ऐसे में लोगों का दिल जीतने के लिए प्रत्याशी सभी कोशिश करने में लगे हैं। हाल ही में एक कांग्रेस प्रत्याशी के साथ ऐसी घटना घट गई कि वीडियो इंटरनेट पर वायरल ही हो गया। कांग्रेस पार्टी के एक प्रत्याशी पारस अकलेचा एक फकीर से आशीर्वाद लेने पहुंचे तो बाबा ने उन्हें स्लीपर से ही पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जेडीएस राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा ने सीएम इब्राहिम को तत्काल प्रभाव से पार्टी से किया बर्खास्त। कर्नाटक में आर अशोक होंगे विपक्ष का नेता, पूर्णेश मोदी इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रभारी नियुक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी करेंगे भाजपा का घोषणा पत्र, बड़े वादों की है उम्मीद। तेलंगाना में मुस्लिम वोटों के लिए बीआरएस कांग्रेस एआईएमआईएम में रस्साकशी, भाजपा को हो सकता है फायदा। महाराष्ट्र में फिर गरमाया मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, सरकार के खिलाफ भुजबल ने निकाली एल्गार रैली। जादूगर को राजस्थान की जनता 3 दिसंबर को करेगी छूमंतर, पीएम मोदी ने राजस्थान सीएम अशोक गहलोत पर कसा तंज। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।